तो अपने को एक पूरा वीडियो जब मतलब पूरा रिकॉर्ड अगर हमें अपडेट करना है तो पहले क्या करना होगा, उसे फेच करो, ठीक है? तो फेच एंड डिस्प्ले, सॉरी, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, उसके बाद में सिलेक्ट द आईडी एंड देन एडिट द रिकॉर्ड एंड उसके बाद में सेव चेंजेस। मतलब अभी मैं इन तीन लाइन को अगर एसक्यूएल क्वेरी के हिसाब से आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर फेच नाम का क्वेरी होगा, मतलब फेच क्वेरी होगा, यहाँ पर भी फेच क्वेरी होगा, बट फेच क्वेरी विल रिटर्न ओनली वन वैल्यू, ठीक है? वन वन रो बोल सकते हैं हम, वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है और रिकॉर्ड मतलब वन रो, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर आएगा अपडेट क्वेरी, ठीक है? अपडेट क्वेरी और फेच और सिलेक्ट, एक्चुअली सिलेक्ट लिखना बहुत बेहतर होगा क्योंकि फेच उसके बाद में फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फेच नाम का तो कोई क्वेरी होता नहीं है, तो सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है? तो सिलेक्ट इधर यहाँ पर ऑल होगा, इधर कोई तो एक होगा जो कि यूज़र ने सेलेक्ट किया है और फिर उसके बाद में अपडेट हम करेंगे उसको, ठीक है? तो ये अपना ओवरऑल हो गया है अपडेशन का प्रोसेस। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिमूव कैसे करते हैं, तो रिमूव भी काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, फिर भी मैं एक बार उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ सिंपल फॉर्म में। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भी मेरे वीडियोस आने वाले, तो अलर्ट का जो बेल का बटन है वो ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी मैं वीडियोस डालूँ तभी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।